राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सम्मी के बारे में। सम्मी का पौधा हर कोई को लगाना, सब ये होड़ लगा हुआ है कि हम अपने घर में सम्मी का पौधा लगाएंगे। दोस्तों, सम्मी का पौधा जितना फलदायक है उतना आपका नुकसानदायक भी है। ये क्यों है और कैसे है, हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, सम्मी का पौधा लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, पर ये सम्मी का पौधा किस व्यक्ति को लगाना चाहिए ये भी जानना आपको जरूरी है। ये प्लांट किस जगह में उगता है, ये रेगिस्तानी प्लांट है और ये रेगिस्तानी प्लांट बहुत ही विशाल प्लांट होता है ये, और रेगिस्तान में पानी कम होता है। वहाँ जब ये विशाल पेड़ होता है तो वहाँ का जो पशु पंछी है इसके छाये के नीचे आराम करता है। तो दोस्तों, ये पेड़ बहुत ही शुभनीय पौधा है और वहाँ पर रेगिस्तानी प्लांट, जहाँ पर रेगिस्तान एरिया होता है उस जगह में अनाज भी उपजा खूब होता है। तो दोस्तों, वो जो प्लांट के आज बारे में हम बताएंगे, वो विशाल प्लांट को हम एक गमले में संजोग के लगाते हैं। उस हिसाब से हम अपने गमले में ये प्लांट को लगाते हैं और लगाने के बाद इसे हम पूजा पाठ करते हैं, पर किस व्यक्ति को नहीं लगाना चाहिए ये जानना आपको जरूरी है। तो दोस्तों, जानने से पहले, हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो दोस्तों, कभी भी इस तरह से हम वीडियो डालें तो मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। सम्मी का पौधा, सम्मी का पौधा जो होता है किस व्यक्ति को लगाना चाहिए, तो उसी व्यक्ति को लगाना चाहिए जो घर का मुखिया हो, और मियाँ बीवी दोनों मुखिया का रूप में ही आता है, जो पति पत्नी होती है और ये दोनों के बीच में अधि सम्मी का पौधा उसी व्यक्ति को लगाना चाहिए जिसे शनि का ग्रह नहीं हो, जिसे साढ़े साती नहीं हो, उसी व्यक्ति को ये प्लांट लगाना चाहिए। ये सभी लोग सोचते हैं कि हम, ये हमारा ग्रह है, शनि का ग्रह है, साढ़े साती है, हम पूजा करेंगे तो हमारा भगवान प्रसन्न होगा। जी नहीं दोस्तों, ये चीज़ कभी भी फूल से भी, यदि आप ग्रह मिटाने के लिए इस पौधा को अपने घर पे ला रहे हैं और घर पे जहाँ तहाँ भी आप लगा दे रहे हैं, एक मान्यता पौधा है ये, इस दिशा में आप जो लगाएंगे इसका दिशा भी बहुत ही चैन से आपको सोचना चाहिए। ये है दक्षिण दिशा का पौधा और ये दक्षिण दिशा में लगाते हैं तो आपका अधिक गुना फल बढ़ जाता है। पहला बात है कि आपको ग्रह नहीं होना चाहिए, आपको कुंडली में शनि का दोष नहीं होना चाहिए, अढ़ैया या साढ़े साती नहीं होना चाहिए, उसी व्यक्ति अपने घर पर लगाएं। ये जरूरी नहीं है कि हम सबका, मेरे घर में यदि पांच व्यक्ति है तो पांच व्यक्ति में किसी में एक आए शनि का दोष है तो हम नहीं लगाएंगे। केवल दो मुखिया आपका घर में हो और मुखिया के अंदर आ रहा है ग्रह, तब आपको ये प्लांट नहीं लगाना चाहिए। हाँ, आपको लगाने का शौक है तो ये प्लांट को खरीद कर मंदिर में आप लगा सकते हैं, वहाँ पर आप जाकर पूजा कर सकते हैं। दूसरा है, कहीं भी आप घर के छत पर या घर पर शमी के पेड़ कुछ लोग लगा लेते हैं गमले में और पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं, इससे भी दोष लिखता है। जितना आप सोचेंगे कि हमारा घर में वृद्धि होगा या हमारा घर में हमारे शरीर के ऊपर सही होगा, ये उतना ही गलत होता चला जाता है। और ग्रह नहीं है तो आप दक्षिण दिशा में इस पेड़ को लगाएं। दक्षिण दिशा किसे कहते हैं, जब हम दुगारी का जो मेन दुगारी है हमारा, यदि हम जमीन से घर को बनाए हुए हैं और दक्षिण दिशा में इसे लगा दें, और लगाने के बाद इसका वृद्धि आप देखेंगे। जब भी आप अंदर की ओर आते हैं तो एक विकास यानी कि ऊर्जा आपको मिलता है। वही चीज़ यदि कोई गलत व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करता है तो उसका नकारात्मक ऊर्जा जो है बाहरी ही छन हो जाता है, बाहरी ही खत्म हो जाता है, और अच्छे आदमी का आगमन घर में होता है। तो सम्मी का पेड़ हमें क्या लगाना है, दक्षिण दिशा में। किसी दिशा में आप ऐसा ना करें कि किसी भी दिशा में आप लगा लें। और एक और भी मान्यता है कि यदि हम भगवान जी को पूजा कर रहे हैं, किसे, महादेव को, महादेव को पूजा करते समय हमें बेलपत्री नहीं मिलती है तो हम बेलपत्री के जगह में सम्मी का पेड़ का पत्तियां जो है उसे हम चढ़ाते हैं, और मन में एक लालसा रहता है कि यदि हमें बेल का पौधा पत्तियां मिल जाता तो भगवान और भी पसंद होते। तो दोस्तों, यदि आप सम्मी का पत्ती चढ़ाते हैं तो स्वर्ग का माफिक कहते हैं, और हजार गुना बेलपत्री का फल दिया गया है
केवल एक आदि आप एक डाल का पत्ती जो छोटा छोटा आदि महादेव पर चढ़ाते हैं तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। यदि सावन के महीना में इसका फूल मिल जाए तो कहना ही नहीं है। सावन के महीना में फूल हो पत्ती हो सारा आप चढ़ा सकते हैं। इसका पंचांग का हवन होता है दोस्तों। ये बहुत ही शुभनीय पौधा है, पर ये चीज़ है कि आप छत में किसी भी दिशा में लगा दिए, यदि अग्निकोण में लगा दिए या और भी कोई कोण में आप लगा देते हैं तो इससे आपको गलत ही परिणाम मिलेगा। पहला, आप दोनों मियाँ बीबी हैं, शनि का ग्रह नहीं होना चाहिए। दुर्गा पूजा में राजस्थान में ये मान्यता है कि यदि आप बाहर से घर की ओर आ रहे हैं या मंदिर गए हैं और घर की ओर आ रहे हैं तो वहाँ ये पेड़ ज़्यादा मिलता है। और वहाँ का लोग कहते हैं कि यदि एक पत्ती आप अपने घर पे ले जाते हैं तो कहते हैं कि सोना का माफिक इसको गन्ना दिया गया है। ये पत्ती अपने घर पर, वहाँ के व्यक्ति लोग अपने घर पर जरूर लेकर जाते हैं क्योंकि ये रास्ता ही में मिल जाता है, कहीं भी मिल जाता है उसे अपने घर की ओर ले जाते हैं। आप शहरों में रहते हैं और आपको शमी का पेड़ दिख गया और दुर्गा पूजा का दशमी के दिन ये पत्तियाँ आपने तोड़कर घर में ले जाने से कहते हैं वृद्धि ही वृद्धि होता है। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, ये जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।